चॉइस आप कुछ पॉइंट ये पहले बात की थी और काशिफ अब्बासी साहब ने उसका कोई जवाब लेने ना दिया ना वो अपनी बातों में ही लगे रहते ना वो तो ओल्ड सॉन्ग है जो सर आज के दिन के विलन काशिफ अब्बासी साहब को डिक्लेयर ना कर रहे हैं हम ट्रांसमिशन जुमले में आजकल आजकल अब इज हीरो ऑफ द सीन जी मुस्तफा सारी बातें सुना के चौधरी साहब ने बोला ही इज द हीरो अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आया वसीम बदामी साहब और मारिया मेमन साहब जी जी लोग ये पूछते हैं कि हमने जो अपना लाउड एंड क्लियर मैंडेट दे दिया है उसकी लाइट में आप जो लोग हो अवाम के साथ कोई रेकनसाइल करने को तैयार हो रिकनसिडर करने को तैयार हो अपनी पॉलिसी रिविजिट करना चाहते हो या फैसल वाडा मॉडल पर उसको 10 खरीद लेंगे मैं 20 खरीद लूंगा 30 उसको दे दूंगा 4 उसको दे दूंगा ये खरबूजे उन्होंने खरीद लेने ये पाकिस्तान के लोगों का कोई सौदा करना है व्हाट आर यू ट्राइंग टू से टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि वी डोंट केयर अबाउट यू हम तुम्हारे ये जो लौंडे लपाड़े हैं इनको पैसे दे के अचक के ले जाएंगे तो होस्ट ट्रेडिंग की हिस्ट्री यार काशिफ बाबा साहब मुझे इसका मुझे स्ट्रेट जवाब दे दो आपने अवाम का मैंडेट मानना है या नहीं मानना नहीं मानना नहीं वैसे देखे असूली तौर पर जो मैंडेट मानना चाहिए माफी चाहना लेकिन बंदे को गल हुई होंगी सारा कुछ करने की जरूरत सी 40-50 बंदे अगर आपके पास होते जिनके साथ डीलें डन हो गई हैं वो रास्ते में वो तो भाग रहे हैं हम उनको रोक रहे हैं भी रुक जाओ तो क्या जरूरत थी ये कल रात को जो सारा ड्रामा किया है सारे इस काम में क्या फायदा हुआ है सारी चीज का निजाम चौधरी साहब के सवाल का क्या सीधा जवाब ये नहीं है कि अगर ये निजाम ये इलेक्शन इस तरह चलने दिया जाता ना लार्जली फेयर बंदे ने पुत्रा मांगा और बंदे टूट जाते तो जो सारी तनकीद है वो लोगों पर होनी थी आपका सियासतदान खराब है अगर अगर ये डीलें बनी होती तो सही है तो जनाब इनका तो सियासतदान बिक जाता है जो बिकाऊ माल ये बिकाऊ माल है जी आपको पता नहीं वो सीधा उसमें मंडियां लग गई ये देखो ये तो पहले से मुजाकरात करके डीलें बना के तैयार बैठे थे ज्यादा बेहतर सेलेबल पॉइंट होता इसके मुकाबले में जो पिछले 12-24-48 घंटे ये भी तो मामला था ना कि आईपीपी है एक जमात वो कोई नशिस्तें निकालेगी अलीम खान साहब की नशिस्त का पता नहीं फैसला हुआ सो आईपीपी के अंदर ये आजाद लोग जाएंगे आईपीपी किसी के साथ इत्तेहाद करेगी वो मिलके हुकूमत बनाएगी आईपीपी केड़ी अलीम खान साहब वही काफी है होता अगर ये जो अभी नतीजे इस टाइम तक पहुंचे हैं एक और उधर से टेक सिंह या हाड़ी साहब उधर से भी जीते हैं जो करते हैं बार बार एक नुकता खाली बात से नहीं है क्या उसका एक जवाब ये भी नहीं है कि एक तो ये कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की मेनली नून और पीपल्स पार्टी की विल भी है रिकनसाइल करने की या नहीं ये तो एक अलग सवाल है एक लम्हे को फर्ज कर लें कि ये मूड में है रिकनसाइल करने के इनके पास इख्तियार है नहीं है ना तो जहां इख्तियार है वहां मूड नहीं है रिकंसाइल करने का हेंस नो रिकंसिलिएशन इजंट दैट द प्रिसाइज आंसर डू यू एग्री और नॉट चलो यार ये अच्छा इनकी बैटरी 1% पे आ गई है तो कम से कम इस्तेमाल करें और इसकी पावर भी लो कर दें ये लो पावर ग्रेड पे चल रहे हैं आई एम बीइंग ऑनेस्ट लाइट बोल रहा हूं आप कम से कम इस वाले एसेट के ऊपर इंसान अच्छा वो कहते हैं मुझे हीरो तो मैं बनी गया और मैं अम्ब लेना बाद में ये करना चाह रहा था।